सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। त्रिपुरा में ममता दीदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस, जीत के लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख का आरोप, बीआरएस की बीजेपी से मिली भगत, पीएम मोदी का रास्ता आसान करना चाहते हैं केसीआर। कांग्रेस ने आरक्षित सीटों के लिए नियुक्त किए 50 सम्मेलन, गुजरात में 38 नेताओं को किया गया निलंबित। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए संजय राउत, भाजपा ने उड़ाया मजाक, राम मंदिर आंदोलन की भी दिलाई याद। जेडीएस नेता शिवानंद पाटिल का हार्ट अटैक से निधन, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने बनाया था उम्मीदवार। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, टीएमसी युवा नेता कुंतल घोष गिरफ्तार, 19 करोड़ लेने का आरोप। पश्चिम बंगाल में फिर वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव, शीशे पर आई दरारें, जांच में जुटी आरपीएफ की टीम। बीआरएस महारैली पर तारिक अनवर का तंज, बोली कांग्रेस के बिना बीजेपी के खिलाफ विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल, यूपी के बनावा आश्रम में रहेगा, 14 महीने में हो सकती है पैरोल, पौने दो माह में ही लौटा था जेल। दो महीने चलेगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन, 26 जनवरी से शुरू होगा, कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे राहुल गांधी का पत्र। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजमुदार ने भाजपा पर कसा तंज, बोले भाजपा नेता बंगाल आते हैं और केवल दिखावा करते हैं। पहलवानों का धरना रात 1 बजे खत्म, अनुराग ठाकुर बोले ब्रजभूषण सिंह फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे। कर्नाटक बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू मर्डर केस में एनआईए की कार्रवाई, पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी, दिल्ली में पारा 10.6 डिग्री, सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा, कश्मीर में 30 जनवरी तक चलेगा बर्फबारी का दौर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कवासी लखमा का चैलेंज, बोले राज्य में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, साबित किया तो राजनीति छोड़ दूंगा। पीओके हो या पाकिस्तान, को वहां की जनता सुखी रहे, राजनाथ सिंह ने कहा भारत वसुदेव कुटुंब का हर बार संदेश देता है। औरैया में कच्ची दीवार गिरने से 6 लोग दबे, 1 बच्चे सहित माता पिता की मौत, 3 बेटे घायल, रात में सोते समय हुआ हादसा। बाइक की चाबी न देने पर भतीजे को मार डाला, अमेठी में नशे की धुत में चाचा ने लोहे की रॉड से की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में 12 पुलिस वालों पर होगी हत्या की एफआईआर, कोर्ट ने दिया आदेश, को तस्कर बताकर पुलिस ने पैर में मारी थी गोली।
सातवीं की छात्रा से क्लास टीचर ने किया रेप, अलीगढ़ में स्कूल के बाद घर ले गया, फिर रात भर कमरे में करता रहा वारदात। अधिकारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, पुष्ट आहार के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपों पर सफाई दे रही थी। रामपुर में दबंगों का होटल पर हमला, मालिक और उसके बेटे को पीटा, तोड़फोड़ की, खाना फेंका, लाठी डंडे लेकर पहुंचे लोग। नहीं थमरा, ठंड से मौत का सिलसिला, कानपुर में हार्ट अटैक से चार और ब्रेन स्ट्रोक से तीन की मौत, बच्चों से हाइपोथर्मिया का खतरा। और आया, पुलिस ने दो घंटे में मासूम को क्या बरामद, बच्चे को पाकर परेशानी के खिले चेहरे, स्कूल से आने के बाद घर से कहीं चला गया था। जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस, मथुरा मीडियम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, तीन दिन लगाए जाएंगे स्टॉल। बरेली में दो छात्र समेत पांच गिरफ्तार, लूट और डकैती की बना रहे थे योजना, पुलिस ने बाइक, चाकू और लोहे की रॉड बरामद की है। हाथरस में युवक की मौत, तीन महीने पहले कुत्ते ने काटा था, मौत से पहले नजर आए थे रेबीज के लक्षण। टीचर के बीच हुई मारपीट, मथुरा के प्राथमिक विद्यालय में महिला टीचर के बीच हुआ था झगड़ा, लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में एसपी ने किया औचक निरीक्षण, बोले फरियादियों से फीडबैक लेकर रजिस्टर में करेंगे अपडेट। लखनऊ में G20 के लिए वॉकथॉन, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, 10,000 लोगों की भीड़ से जगह जगह जाम। सहारनपुर में निगम ने चलाया स्वच्छता अभियान, बाबा बालादास बाड़ा, दरगाह हाजी साहब व फुलवारी आश्रम की हुई सफाई। अमरोहा में बोले विधायक राजीव तरारा, साख को धूमिल करने के लिए लगाए जा रहे आरोप। बारिश के बाद भी ठंड नहीं होगी कम, यूपी में 22 से 25 तक हल्की बारिश का अनुमान, कानपुर में तापमान 3.8 डिग्री रहा। कानपुर देहात पुलिस ने लूट का किया खुलासा, आरोपी बोले पैसे की जरूरत के ने बना दिया लुटेरा। आगरा आ रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे के कोच में उठा धुआं, ट्रेन को कोसीकला स्टेशन पर रोका गया। एसिड अटैक के दोषियों को 14 साल की जेल, मेरठ में पीड़ित ननद और जेठानी को मिलाने आए। संगम में हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाई, करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, चप्पे चप्पे पर कमांडोज स्पाइसेस तैनात रहे। प्रतापगढ़ में 13वीं में दबंगों ने की पिटाई, नशे में की गाली गलौज, परिजनों समेत रिश्तेदार की हालत गंभीर। बलिया एसपी के ने तीन निरीक्षकों की छत में किया बदलाव, निरीक्षक पारसनाथ सिंह को मिली सुखपुरा थाने की कमान। महाराजगंज में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, बैकुंठ नदी में स्नान कर पूजा की, पुरोहितों को दान कर बने पुण्य के भागी।
अमेठी में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर काटा हंगामा। बुलंदशहर में मां ने बच्ची के शव को फेंका, नवजात बच्ची ने के लावारिस शव को हिंदू संगठन के लोगों ने विधि विधान से दफनाया। गाजीपुर में 23 जनवरी को कोर्ट में नहीं पेश होगा मुख्तार अंसारी, हाई कोर्ट ने मुकदमे के ट्रायल पर लगाई रोक। कानपुर में संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में लगे नीम पेड़ के नीचे से अचानक निकलने लगी आग, जानकारी मिलते ही देखने पहुंचे श्रद्धालु। बुलंदशहर में एक बार फिर कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, कोहरे की धुंधली चादर में ढका विजिबिलिटी भी हुई कम, सामान्य से बेहद कम। उत्तराखंड में बर्फबारी ने जोशीमठ में बढ़ाई दुश्वारियां, दरारों में पानी रिसने से भूधंसाव की आशंका बढ़ गई है। भारी हिमपात से जनजीवन प्रभावित, करीब 100 गांव का संपर्क कटा, आज भी बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में ज्यादा खतरनाक हुए जोशीमठ के हालात, 24 घंटे में 14 नए भवनों में धरा चिन्हित, 10 परिवार शिफ्ट किए गए। उत्तराखंड सरकार राज्य कार्मिकों की बड़ी मांग पर सकारात्मक संकेत, साफ हो सकता है पनोदर्ती का मामला। दूसरे समुदाय के युवक संग लिविन में थी युवती, प्रेग्नेंट होने पर शादी की बात की तो प्रेमी बोला पहले धर्म बदलो। उत्तराखंड में प्रेमिका से शादी के लिए चोरी, पकड़ा गया तो शर्मिंदगी में तीसरी मंजिल से कूद कर दी जान। उत्तराखंड में भाजपा के पूर्व विधायक का नौकर निकला चोर, आरोपित ने पुलिस कस्टडी में छत से कूदकर जान दी। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप, इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद किया घिनौना अपराध। जोशीमठ के जेपी कॉलोनी में फूटी जलधारा में वृद्धि ने बढ़ाई चिंता, 48 घंटे में 2.5 गुना बढ़ा प्रभाव। हरिद्वार में तेज लाउडस्पीकर बजाने पर 7 मस्जिदों पर लगा जुर्माना, देने होंगे 5,000 रुपए। उत्तराखंड में 100 से ज्यादा दारोगाओं के ओमयार शीटों में गड़बड़ी कर मोटा पैसा कमाया गया, विजिलेंस जांच में जुटी। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे प्रदेश के 5,000 सरकारी वाहन, केंद्रीय मोटर यान नियम की अधिसूचना लागू। बद्रीनाथ की राह में बाधा बन सकता है धस्ता हाईवे, सरकार के लिए बड़ी चुनौती है मरम्मत का काम। उत्तराखंड में डीसीएम की चपेट में आने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत, अफजलगढ़ से जा रहे थे देहरादून। जोशीमठ के विस्थापितों को स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार, सीएम धामी ने दिए विस्तृत योजना बनाने के निर्देश। रूस से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की धमकी, सुरक्षा कारणों से उज्बेकिस्तान ड्राइवर में किया गया 238 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर सवार।
प्रदर्शनकारियों से निपटने के चक्कर में ऐतिहासिक बिल्डिंग जलाई। पेरू में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास मौजूद इमारत का केवल मलबा बचा। मिस्र के मकबरे में मिला बिना सिर वाले मगरमच्छों के मवी। प्राचीन देवता को खुश करने के लिए दी जाती थी बलि। तालिबान के झंडे के साथ यूएन अधिकारियों ने ली तस्वीर। संयुक्त राष्ट्र को मांगनी पड़ी माफी। अर्जेंटीना में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर 6.5 रही तीव्रता। किसी के हाथ होने की सूचना नहीं। क्रिस हिमकिंस मरेंगे। न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री। कोरोना में अच्छा काम कर पहचान बनाई। अब जैसिंडा अर्डेन की जगह लेंगे। ब्रिटिश पीएम पर $620 का जुर्माना। चलती कार में सीट बेल्ट नहीं लगाया था। दो दिन पहले माफी थी मांगी। यूएस यूके के हथियारों के लिए टेस्टिंग लैब बना यूक्रेन। पहली बार कई हथियार इस युद्ध में सीधे इस्तेमाल हो रहे हैं। कई देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप। ब्रिटेन में एम्बुलेंस का वेटिंग टाइम 90 मिनट। कनाडा में नर्सिंग स्टाफ तक नहीं। कनाडा में पुराने स्कूल में 171 बच्चों की कब्र मिली। सभी मूल निवासियों के बच्चे। पिछले साल ऐसे मामले में पोप ने मांगी थी माफी। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब गूगल में होगी छटनी। वर्ल्ड वाइड वर्कफोर्स में 12,000 एम्प्लॉयज को निकालेगी। फ्लाइट में पेशाब केस मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना। पायलट 3 महीने के लिए सस्पेंड। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया बैंक और आरबीआई का फैसला। निवेशकों को मिली राहत। डब्ल्यूएफ प्रमुख श्राप का बढ़ा बयान। बोले वैश्विक संकट के बीच भारत चमकता सितारा। मोदी का नेतृत्व अहम। रिलायंस का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 15% घटा। जियो के शुद्ध मुनाफे में 28.3% की वृद्धि। स्विगी ने 380 कर्मचारियों को निकाला। कंपनी के सीईओ बोले ये बहुत कठिन फैसला रहा। मुकेश अंबानी ब्रांड सुरक्षता सूचकांक में 2023 में भारत में पहले स्थान पर, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर। गौतम अडानी का बड़ा बयान। बोले कई बड़ी इकोनॉमी में भारत आशा की किरण। चीन अमेरिका का अलग होना देश के लिए मौका। विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी बढ़ोतरी। 10.417 अरब डॉलर बढ़कर $572 मिलियन तक पहुंचा। पांच साल में घरेलू कर्ज 1%, सरकारी कर्ज 13% बढ़ा। विकसित देशों में घरेलू कर्ज जीडीपी का 73% तक। भारतीय हॉकी टीम के स्टार मिडफील्डर हार्दिक सिंह वर्ल्ड कप से बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में हुई थी हैमस्ट्रिंग इंजरी। ब्राजीलियन फुटबॉलर डेनी अल्वेस रेप के आरोप में गिरफ्तार। स्पेनिश महिला ने लगाया आरोप।
पूर्व नंबर एक डेनिलियम मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर, अमेरिकन स्टार कोडा ने चौंकाया 7-6 3-6 7-6 से जीता मुकाबला। ट्रेंट क्रिश्चियन ने किया संन्यास का ऐलान, सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलेंगे आखिरी मैच। सरफराज खान पर भड़के बीसीसीआई सिलेक्टर का, उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहिए। विमेंस आईपीएल टीमों की होड़ में 30 कंपनियां अडानी ग्रुप से लेकर हल्दीराम तक ने खरीदे टेंडर, नाम का ऐलान 25 जनवरी को। रोनाल्डो के फैन हुए विराट कोहली, इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी, कहा 38 की उम्र में भी बड़ी टीमों को टक्कर दे रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार तीसरी जीत, साउथ अफ्रीका को तीसरे मैच में 4-0 से हराया, आखिरी मैच रविवार को। आईसीसी के साथ 20 करोड़ के ऑनलाइन धोखाधड़ी, 4 बार हो गया है फ्रॉड, संस्था ने अब शुरू की जांच। भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की कालाबाजारी, 5000 से लेकर 1000 में टिकटें, 4200 से लेकर 600-500 में टिकटें मिल रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने बेटी संग करवाए फोटोशूट, रेड ड्रेस में की ट्यूनिंग, बीटीएस वीडियो में दिखा मां बेटी का क्यूट बॉन्ड। फिल्म एमरजेंसी की शूटिंग हुई पूरी, कंगना ने शेयर किया भावुक नोट, बोली फिल्म के लिए गिरवी रखी प्रॉपर्टी। दिशा पाटनी ने ऊ अंटावामा पर किया जबरदस्त डांस, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में दी परफॉर्मेंस, यूजर्स बोले सामंथा से अच्छा नहीं है ये। मिश्र मजनू से राशि की तुलना पर सिद्धार्थ का रिएक्शन, बोले अच्छे फिल्म से तुलना किए जाने में कोई बुराई नहीं। सुशांत के विश लिस्ट को पूरा करेंगे, नीलो तोपल दो ब्लाइंड बच्चों को गोद लिया क्योंकि सुशांत की ख्वाहिश थी। गांधी गोड़ से एक यूथ की स्क्रीन के दौरान हंगामा, लोगों ने काले झंडे दिखा, गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। चंगेश खान की लव स्टोरी पर बनी जानलेवा फिल्म, 91 लोगों को हुआ कैंसर, हीरो हीरोइन और डायरेक्टर सहित 46 की जान इसी से गई। रवीना टंडन की बेटी राशा करने जा रही बॉलीवुड डेब्यू, अजय देवगन के भतीजे के अमान के साथ एक्शन फिल्म में आएंगी नजर। द नाइट मैनेजर का ट्रेलर हुआ रिलीज, 17 फरवरी को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी स्पाई थ्रिलर सीरीज। शिल्पा शेट्टी ने गार्डन में किया डांस, साउथ के सुपरहिट सॉन्ग टम टम पर दिखाए बेहतरीन डांस मूव्स। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।